हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? ठीक है, इग्लू आप जानते हो, जो बर्फीले क्षेत्रों में जो घर बनते हैं, खासकर ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, तो यहाँ पर घरों को, सर्दी में बने घर इग्लू कहलाते हैं। तो इसी थीम पर इग्लू कैफे भारत में कहाँ बनाए? लद्दाख नहीं, ये है गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में, याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में पहला डॉग पार्क कहाँ बना? तो ये ग्रुप सी में देखो एक बार पूछा था, तो वो पूरे भारत का पहला था, हैदराबाद। अब उत्तर भारत का जो पहला है वो है चंडीगढ़, तो दोनों आप याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बना? ठीक है, जेंडर पार्क, जहाँ पे मतलब जैसे आप जानते हो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो मुख्य जेंडर में बांटा जाता है समाज को, लेकिन थर्ड जेंडर के कारण है ना, हाल ही में ये जो चर्चाएं रही हैं थर्ड जेंडर यानी किन्नर वर्ग के लिए, तो यह है कोझिकोड केरल में। नेक्स्ट है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ठीक है, अभी तक इससे पहले कोई भी महिला फाइटर पायलट शामिल नहीं हो पाई थी आरडी परेड में, तो यह है भावना कंठ। अच्छा, नेक्स्ट है, नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है? नाव पुस्तकालय जो है ये कलकत्ता में शुरू किया गया, जैसे आपने सुना होगा तैरता हुआ एटीएम, तो वो 2004 में एसबीआई ने शुरू किया था कोची में, तो इसी तरह नाव पुस्तकालय भी शुरू हो चुका है कोलकाता, है ना, यानी जो लोग नहीं पहुंच सकते लाइब्रेरी तक, तो उनके पास लाइब्रेरी लाइब्रेरी जो है नाव के रूप में जाएगी। तो कलकत्ता में, कलकत्ता के आसपास जो है बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे गांव हैं जहां पर कम से कम 5-10 किलोमीटर नाव चलाने के बाद कोई बाजार या स्कूल मिलता है ना, तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर या तो डिफेंस के लोग या पुलिस वहीं पर हेल्प कर पाती है, तो इसी तरह ये एक अच्छी शुरुआत है वहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत का पहला चमड़ा पार्क यानी लेदर पार्क, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप जानते हो कानपुर में ये सबसे ज़्यादा चमड़े का काम होता है, तो वहीं पर है उत्तर प्रदेश में चमड़ा पार्क। अच्छा, फिर है, पहले व्यक्ति जिनको कोविड वैक्सीन दी गई थी, भारत के पहले व्यक्ति हैं मनीष कुमार। ठीक है, जिनको अभी तो क्या है, लगभग हर भारतीय को जो वयस्क हैं 100 करोड़ से ज़्यादा डबल डोज लग चुकी है, लेकिन जो पहले थे वो मनीष कुमार है। अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी हैं और ये भारतीय मूल की भी हैं। ठीक है, कमला हैरिस। अच्छा, इसके बाद है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ है? तो सारे देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है इसमें से। ठीक है, तो पहला फायर पार्क है भुवनेश्वर में, फिर आता है टायर पार्क है ना, तो टायर और फायर ये सब अलग अलग है, टायर पार्क है बंगाल में। नेक्स्ट है, आनंदा नामक एक डिजिटल ऐप किस संस्था द्वारा बनाया गया? आनंदा नामक एक डिजिटल ऐप, तो ये बनाया है LIC ने। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खुला है? तो सबसे ज़्यादा चंदन जो है वो आप जानते हो ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के मैसूर में पहला चंदन संग्रहालय। इसके बाद है, सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? विश्व में इन्हें सबसे कम उम्र के लेखक होने का खिताब मिला है अभिजीत गुप्ता। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का एकमात्र नगर कौन सा है? पहला नगर, तो यह है भुवनेश्वर। प्रियंका राधा कृष्णन किस देश में भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री बनी है? तो ये जो मंत्री बनी है यह है न्यूजीलैंड में, पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है वहां कोई महिला, उनका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको पता है फसलों के तय किए जाते हैं, जो कि कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो है ये काम करता है, 1965 में ये आयोग बना था। ठीक है, लेकिन जो सब्जियों के मूल्य हैं वो अभी तक कोई आयोग ने तय नहीं किए थे, तो ये पहली बार केरल ने किया है। तो अगर पूछेंगे सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किस राज्य ने जारी किया, तो यह है केरल। किस राज्य ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को सबसे पहले मौका दिया? ठीक है, ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय को, तो यह असम ने दिया है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली, तो यह मिंटी अग्रवाल। अरब क्षेत्र का पहला देश जिसने परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने में सफलता हासिल की,
अरब कंट्रीज देखो जितने भी है, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या उसके संयुक्त अरब अमीरात है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, जहाँ पे मुख्य नगर राजधानी अबू धाबी है और मुख्य नगर है उनका दुबई। तो इसने परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश अरब कंट्रीज में से बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो यह है एम वीरा लक्ष्मी। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय यह लॉस एंजल्स में, भारत में तो बहुत सारे योग विश्वविद्यालय हैं, तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स अमेरिका, जिसे जहाँ पे हॉलीवुड भी है ना, जैसे हमारा बॉलीवुड है मुंबई, वहाँ पे हॉलीवुड है। अगला है, केवाईसी स्वीकार करने के लिए, ठीक है, वीडियो कॉल का जो है पहली बार प्रयोग किया है वो कौन सा बैंक है? वैसे आप केवाईसी कराते हो तो आप अपना आधार या जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हो वो ऑफलाइन माध्यम से खुद जाके देते हो बैंक में, तो यह है कोटक महिंद्रा ने पहली बार वीडियो कॉल से किया केवाईसी स्वीकार किया, कोटक महिंद्रा। तो ये सब चीज़ें देखो कोरोना काल में ही ऐसी चीज़ें विकसित करनी पड़ी, क्योंकि संपर्क के कारण कोरोना फैल रहा था, है ना, तो चीज़ों को चलाना भी है। तो इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश, जैसे हमारे यहाँ बस चलती है, ट्रेन चलती है, लेकिन हमें कोई ना कोई कॉस्ट वहाँ पे देनी पड़ती है किराया, तो ऐसा कौन सा देश है दुनिया में? यह है लग्जमबर्ग। तो काफ़ी अमीर देश माना जाता है यूरोप का लग्जमबर्ग, ये यहाँ पे इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा फ्री कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है भारतीय सेना में पहली महिला जज, तो अधिकारी तो काफ़ी बनी भी है मेडिकल कोर में और अब तो सीडीएस में भी महिला की एंट्री खुल चुकी है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय सेना में पहली महिला जज, जो उनकी अपनी कोर्ट होती है उसमें ज्योति शर्मा बनी है। कृषि भूमि लीज पर देने वाला भारत भारत का पहला राज्य, ठीक है, और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला, तो ये दोनों कौन है? उत्तराखंड, हमारा राज्य उत्तराखंड, तो महिलाओं को भी संपत्ति में इसने अधिकार दिया। ठीक है, पति की जो भी पैतृक संपत्ति होगी महिला को उसमें सह खातेदार बनाया जाएगा, और दूसरा यहाँ पे हमने बता दिया है कृषि भूमि लीज पर देने वाला भी उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड के लिए सेपरेट क्वेश्चन वो भी बनाया जाएगा वीडियो। 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है चीन। चीन ने देखो अंतरिक्ष में धान की खेती भी, चावल भी उगा दिया है और चंद्रमा पे कपास भी उगाया था, तो इस चीजों में चीन का नाम काफी आ रहा है। भारत की पहली मेट्रो जहां पर ड्राइवर लेस मेट्रो का प्रयोग सफलता से किया गया, ये कौन सी है? यानी पहली मेट्रो जहां पर ड्राइवर लेस मेट्रो चल रही है वो है दिल्ली मेट्रो। ठीक है, ये जो श्रीधरन है उन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली में मेट्रो चलाई थी और दिल्ली, उन्हें मेट्रोमैन इसलिए बोला जाता है, दिल्ली मेट्रो लाने का श्रेय क्योंकि उन्हीं को जाता है। ठीक है, फिर है हर घर जल, ये किस राज्य की योजना है? हर घर जल, तो गोवा की योजना है। ठीक है, हर घर जल की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन देने वाला ये भी हिमाचल है, सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन पूरे राज्य में करने वाला ये भी हिमाचल है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र एग्जाम में आ भी चुका है, ये हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी के लंका नामक स्थान में, और अगर पूछेंगे किस देश के सहयोग से तो यह नीदरलैंड के सहयोग से बन रहा है। नदी रोपवे सबसे लंबा भारत का कहाँ बनाया गया? रोपवे जैसे आप देखते हो कि ट्रॉली के द्वारा ये मनसा मंदिर, चंडी मंदिर में जाते हैं हरिद्वार, या औली का रोपवे सुना है आपने चमोली में, तो ऐसी भारत का जो सबसे लंबा नदी रोपवे है, नदी को क्रॉस करता है, वो है असम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग प्रकार के करंट इवेंट्स के क्वेश्चन लेके आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।